हेलो स्टूडेंट्स, माय टुडेज टॉपिक इज़ प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आओ एक फिगर के थ्रू हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो वहाँ पर एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है और उसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। और ये जाइगोट जो है कंटिन्यूसली माइटोसिस डिवीज़न होता है इसके अंदर और उससे बनते हैं हमारा मारूला और मारूला से फिर ब्लास्टुला और ब्लास्टुला से ये ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट सेल है और इस सेल में आप लोग देख लो ये जो पेरीफेरल सेल जिसको कि हम लोग कह सकते हैं ट्रोपोब्लास्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। और जो अंदर ये मास ऑफ सेल प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं इनर मास सेल। और ये जो है किससे सराउंडेड है एक एग लेयर जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं जोना पेलुसिडा से। नेक्स्ट जब ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर तो ये ब्लास्टोसिस्ट जोना पेलुसिडा की लेयर को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और जब ये बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये जो रेड कलर में बना हुआ है ये यूटेराइन वॉल है। ओके, ये जो रेड कलर में सेल्स हैं वो क्या है हमारे यूटेराइन टिश्यू या यूटेराइन वॉल कह सकते हो, यूटेराइन टिश्यू है। ठीक है, तो यूटेराइन टिश्यू के पास आने के बाद ये जो ट्रोपोब्लास्ट है इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं। ये देख रहे हो आप लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से अराइज होते हैं और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कोरियोनिक विलाई। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और ये जो कोरियोनिक विलाई है वो किससे इम्बेडेड होते हैं, किससे घिरे होते हैं, वो यूटेराइन टिश्यूज से। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और यूटेराइन टिश्यू के जैसे कह सकते हैं आप लोग कि ये इस तरीके से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम लोग क्या कहेंगे कोरियोनिक विलाई। और ये जो है यूटेराइन टिश्यू, ठीक है, एक दूसरे को क्या किए रहेंगे ये सराउंडेड किए रहेंगे और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे प्लेसेंटा। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया हमारा प्लेसेंटा। क्लियर, ये देखिए यहाँ पे इस फिगर में ये आपका कोरियोनिक विलाई जो कि यूटेराइन टिश्यूज के अंदर एम्बेडेड होते हैं। और अब यहाँ पे जो है हमारा क्या बनता है दो और स्ट्रक्चर्स एराइज होते हैं, यानी कि सेल डिवाइड होते जाते हैं और दो स्ट्रक्चर एराइज होते हैं। एक होता है हमारा एमनियन सैक बनता है और दूसरा क्या बनता है यॉक सैक। ये यॉक सैक आगे चल के एम्ब्रियो बना लेता है और ये एमनियन सैक के अंदर ये एम्ब्रियो क्या होते हैं फ्लोट करते रहते हैं। ओके, तो आइए अब हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं। ये देखिए प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड कोरियोनिक विलाई। इसको हम लोग कोरियोनिक विलाई कहते हैं जो ट्रोपोब्लास्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं। कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाई यूटेराइन टिश्यू कॉल्ड एंड मेटरनल ब्लड। ठीक है, ये जो कोरियोनिक विलाई हैं वो किससे सराउंडेड होते हैं यूटेराइन टिश्यू और मेटरनल ब्लड से। टेम्पररी एसोसिएशन बिटवीन द फेटल टिश्यू यानी कोरियोनिक विलाई और जो मेटरनल टिश्यू है यानी जो यूटेराइन टिश्यू है इन दोनों के एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं प्लेसेंटा। ये भी हमने आपको फिगर में भी समझाया। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये कि फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ये स्टेटमेंट लर्न कर लोगे कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या क्या है। प्लेसेंटा द एम्ब्रियो कनेक्टेड विद द प्लेसेंटा बाई अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ध्यान दीजिए, सपोज कर लो ये यूटेराइन वॉल है और ये जो है एमनियन सैक है और यहाँ पे है ये एम्ब्रियो। ठीक है, ये एम्ब्रियो जो है प्लेसेंटा से कनेक्ट होते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हम लोग क्या कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड।
ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड से ये कनेक्ट है। विच ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस टू द टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, यानी कि इस अम्बिलिकल कॉर्ड से जो है मदर से फीटस को और फीटस से मदर को जो भी सब्सटेंस हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, मदर से फीटस को क्या क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होंगे, लाइक ऑक्सीजन, फूड ईटीसी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे और CO2 होंगे वो फीटस से मदर को ट्रांसपोर्ट होंगे। नेक्स्ट, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड का वर्क करता है। ठीक है, प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स, और बहुत सारे हार्मोन्स क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। आइए देखते हैं उस हार्मोन्स के क्या नाम है, और वो हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नेम पूछते हैं एग्जाम में। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ये नेक्स्ट, ये देखिए वो कौन कौन से हार्मोन है। फर्स्ट है आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जिसको HCG भी बोलते हैं हम लोग, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओवरी इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में जो है हमारा रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है। तो मेनली हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रेगनेंसी के समय मेन टू हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रेट होते हैं, एक HCG और दूसरा क्या है HPL। ओके, नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियो जो है वो फीटस में कन्वर्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं उसमें एम्ब्रियो में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। After implantation, the inner cell mass of blastocyst differentiated into outer layer called endoderm and inner layer called endoderm. ठीक है, implantation के बाद जो है ये inner mass cell two parts में divide हो जाते हैं, ectoderm और endoderm में। Mesoderm differentiated in between ectoderm and endoderm. यानी ectoderm और endoderm के बीच में भी एक layer बनती है जिसको कि हम लोग मेसोडर्म कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग शायद क्लास 11th में भी पढ़े होंगे कि हमारी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी कि थ्री लेयर। ठीक है, द इनर सेल मास दस कॉल्ड स्टेम सेल, इनर सेल मास को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं, हैविंग पोटेंशी टू प्रोड्यूस, हैविंग पोटेंसी टू प्रोड्यूस ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। इनर मास सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो सभी टाइप्स के जो है वो सेल टिश्यूज और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन टू एम्ब्रियो इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ, ह्यूमन प्रेगनेंसी जो होती है वो अबाउट, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 9 मंथ की होती है या 36 वीक कह सकते हो आप लोग, और इस पीरियड को हम लोग कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हर्ट इज फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो। ठीक है, प्रेगनेंसी के 1 मंथ के बाद जो है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हर्ट का फॉर्मेशन होता है सबसे पहला। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ द फीटस डेवलप लिम्ब्स एंड डिजिट्स। ठीक है, और दूसरे मंथ के लास्ट तक जाते जाते लिम्ब्स यानी हाथ पैर और डिजिट्स यानी उंगलियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं, सॉरी बन जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स यानी 3rd मंथ जब इंड होता है, यानी कि फर्स्ट 3rd मंथ को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मोस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड, मोस्टली जो है ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाते हैं।
लिम्स एंड एक्सटर्नल जेंटेलिया, ये सभी चीज़ें जो देख रहे हो आप लोग वो डेवलप हो जाते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयर ऑफ हेयर ऑब्जर्व्ड इन फिफ्थ मंथ, यानी उसमें जो फीटस में मूवमेंट और उनमें हेयर का डेवलपमेंट कब देखा गया है, फिफ्थ मंथ में, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 24th वीक, यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर जब एंड होता है, द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, तो उस समय तक बॉडी जो है वो एक मतलब छोटी छोटी हेयर से कवर्ड हो चुकी होती है। आईलिड्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि आँख की जो आँख के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं आईलिड्स, सेपरेट एंड आईसेट्स आर फॉर्म्ड। बाय द एंड ऑफ 9 months द फिटस इज फुली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी, और 9 months के एंड के बाद जो है वो फिटस फुल्ली जो है डेवलप्ड हो जाते हैं और वो डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो पार्चुरेशन क्या है, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड, ये हमने आपको पहले भी बताया अभी कि जो पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी होती है वो यानी 0 से लेकर 9th month तक की जो ड्यूरेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। इजेक्शन और एक्सपल्शन ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है। डिलीवरी ऑफ फीटस या बेबी कह सकते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। पार्चुरेशन इज ड्यू टू द विग्रस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूटेराइन मायोमेट्रियम, यूटरस की 3 लेयर होती हैं और बीच वाले लेयर को हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, और इस मायोमेट्रियम में जो है कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस होती है जिससे जो है डिलीवरी होती है, यानी पार्चुरेशन होता है बेबी का। द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा विच इंड्यूस्ड माइल्ड कंसंट्रेशन ऑफ यूटेरस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम प्यूटिट्री। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है पार्चुरेशन के समय जो फीटस है वो मैसेज भेजता है किसको, प्लेसेंटा को, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। और यहाँ से जो है प्यूटिट्री ग्लैंड उस समय कौन सा हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो कॉन्ट्रेक्शन का वर्क करता है, ठीक है। मतलब जो यूट्रस है उसमें कॉन्ट्रेक्शन के लिए यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीटोसिन इंड्यूस्ड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये लाइन लिखा हुआ है साफ साफ कि ऑक्सीटोसिन जो है वो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शन जो है एंडोमेट्रियम में करता है। साइमल्टरी रिफ्लेक्स कंटिन्यूज स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शन लीड्स टू एक्सपल्सन, और इस तरीके से जब उसमें स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रेक्शन होता है तो बेबी का डिलीवरी होता है। आफ्टर डिलीवरी द प्लेसेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। ध्यान दीजिएगा, जब डिलीवरी होती है तो उसी में फीटस के साथ साथ जो प्लेसेंटा बना होता है वो भी क्या होता है, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लैक्टेशन। लैक्टेशन देखिए क्या है, द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल मोर डिफ्रेंशिएटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो डेवलप कर जाती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय मेमोरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाती हैं। मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। ये जो मेमोरी ग्लैंड है वो प्रेगनेंसी के लास्ट में, या कह सकते हो कि प्रेगनेंसी
यानी पर्चुरेशन के समय, उस समय से जो है लैक्टेशन स्टार्ट होता है इसमें, ठीक है, यानी कि उसमें मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग इन मेमोरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टेशन, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड से जो है मिल्क जब प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है तो उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये कोलोस्ट्रम, ठीक है। कोलोस्ट्रम जो एक जो माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। और इसमें जो है एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, IgA, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है इसके अंदर, IgA। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि नेम द एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रम, दैट इज IgA, जो कि बच्चों को या कह सकते हो इन्फेंट को क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओके, कोलोस्ट्रम कंटेंस सेवरल एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न बेबी। तो